तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। सो यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ पाई एक्स दे रखा है। सो अपन सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंटीग्रल अज्यूम करते हैं कि आई ऑफ ए 0 to ∞ टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स है। तो ये अपन ने इंटीग्रल अज्यूम किया, यहाँ पर अपन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर ही कुछ फंक्शन ऑफ ए आएगा। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई डैश ए हो जाएगा। तो मैं पता है कि यहाँ पे डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन का यूज कैसे करता है। तो अपन विद रेस्पेक्ट टू ए यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर वाला जो भी ए पर डिपेंडेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। इस चीज को मैं ऐसे कर सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सो यहाँ पर मैं विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1 डिवाइडेड 10 इनवर्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दिस, एंड यहाँ पर अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा, एंड यहाँ पर नीचे 1/x है, एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू ए अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास आई डैश ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 to ∞ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर x² + 1 डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर ए स्क्वायर बाहर निकालू तो ये मेरे पास 0 to ∞ 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 बाई ए स्क्वायर dx बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें यहाँ पर पता ही है कि क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय ए आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये ऊपर ए हो जाएगा। एंड अपने को लिमिट यहाँ पर 0 to π/2 पुट करनी है, 0 to ∞ यहाँ पर पुट करनी है। सो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ पर π/2 होता है, टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/2a आ जाएगा अपने पास। सो π/2a आ गया अपने पास आई डैश ए। तो अब यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू ए इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1/a का इंटीग्रेशन ln a प्लस सम कांस्टेंट। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आई ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पुट करने पर मेरे पास 0 होना चाहिए, ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो उससे सीधी मेरे पास 0 आ जाएगा। तो जो मेरा आई ऑफ ए है वो एक्चुअली में π/2 यहाँ पर ln ए आ जाएगा। और लेकिन मुझे यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर पाई पुट करना है, सो एक्चुअली में मेरे पास जो आंसर वो क्या आ जाएगा, π/2 ln π आई ऑफ पाई की वैल्यू। सो इस तरीके से अपन इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।